कोरोना वायरस के मद्देनज़र तमाम मजदूर अपने घरों की ओर चल पड़े हैं। पैदल जाते हुए इन मजदूरों में अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि लोग भूखे प्यासे हैं, पैदल चलने के कारण उनके पैरों में सूजन है, दर्द हो रहा है, उसके बावजूद भी वो लगातार चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएँ और ये तमाम वो लोग हैं जो मजदूर तबके से आते हैं और अपनी कंपनियों और फैक्ट्रियों के मालिकों के निकाल दिए जाने के कारण ये अब घरों की तरफ जा रहे हैं लगातार। बिहार, वाराणसी, इलाहाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, लखनऊ और तमाम और कई जनपदों के, ईस्टर्न यूपी के कई लोग लाखों की संख्या में सड़कों पर पैदल ही अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐसे में उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए सामाजिक संगठन और पुलिस का मानवीय चेहरा जो देखने को मिल रहा है वो अंदर से दिलों को झकझोर दे रहा है। अपनी जान की परवाह किए बगैर ये तमाम पुलिसकर्मी लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। गाजियाबाद की मुरादनगर पुलिस का ये चेहरा आप देखेंगे तो आपके मन से अनायास ही इनके लिए दुआएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। जो पुलिसकर्मी हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे अपनी नींद हराम करके परिजनों का जो ख्याल है उसको त्याग करके देश सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे परिजनों के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियोज़ को देख रहे हों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ई रेडियो इंडिया की तरफ से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन पुलिसकर्मियों के जज्बे को, इन सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के जज्बे को सलाम करते हुए एक शेयर ज़रूर करें ताकि इन लोगों का जो ये मानवीय चेहरा है तमाम समाज के लोगों में पहुँचे, लोगों के बीच में पहुँचे और लोग इससे एक नई प्रेरणा लेकर खुद भी सामाजिक काम करने की ओर अग्रसर हों। मुरादनगर से फैज़ अली सैफी की रिपोर्ट।